बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टाइम्स में खुश आमदीद। मुंबई हमलों से मुतालिक नवाज शरीफ के मुतनाज़ा इंटरव्यू पर अदालत ने अब तक का बड़ा कदम उठा लिया। नवाज शरीफ के साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी को भी जोरदार झटका दे दिया। मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें। मुतनाज़ा इंटरव्यू और कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई का अफशा करने पर लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत के मुकदमे की इंदराज की। दरख्वास्त पर साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बगावत के मुकदमे की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीरे आज़म को 29 जून को तलब करके पोजीशन वाजे करने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार ने साबिक वज़ीरे आज़म के खिलाफ बगावत की रिट पिटीशन दायर करते हुए तौकीफ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ ने मुतनाज़ा इंटरव्यू देकर मुल्क और कौम से गद्दारी की, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई के बारे में नवाज शरीफ को आगाह किया है, जिस पर इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिस पर जस्टिस मुजाहिर अली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई थी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।